तो चलिए आपको अंदर चल के थोड़ा सा दिखाते हैं कि अंदर कैसा रहता है, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंदर जाना और मतलब वीडियो बनाना थोड़ा सा सख्त मना है इसमें। तो अंदर चलते हैं, अंदर का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं, वीडियो अच्छी देख लीजिए। बिल्कुल पास से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इतना पास से कोई दिखाया नहीं है, इतना पास से देखिए करंट का अपडेट है, बिल्कुल देख लीजिए आप। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए एक बार टर्मिनल का व्यू तो मस्त लग रहा, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाजवाब भाई, मस्त लग रहा देखने में अभी अभी। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों ये वाला जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो अयोध्या का इंटरनेशनल श्री राम मतलब एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसको आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे और हो सकेगा तो अंदर का भी व्यू दिखाएंगे, क्योंकि आज से पहले अंदर जाना बिल्कुल सख्त मना है। तो अंदर जाके उसका व्यू दिखाएंगे पूरा, और जहाँ पर रोड है रोड का भी पूरा व्यू दिखाएंगे, बहुत जबरदस्त बना है। तो यहाँ पे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेके अंदर जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर देख सकते। दोस्तों यहाँ पे जो है लिखा हुआ है श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हाईवे, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर यहाँ से है और ये आप पूरा देख सकते हो। तो इससे हम चलेंगे अंदर और अंदर का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाएंगे, तो बाहर से कुछ इस टाइप से है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अंदर, और अंदर का व्यू देखिए यार बहुत ही लाजवाब लग रहा है देखने में, ठीक है। यहाँ पे रोड देखिए यार, बहुत ही वीआईपी रोड बना है यहाँ पे, और यहीं पे जो है सीआरपीएफ कैंट भी बनाया गया है। तो वो थोड़ा सा आगे चल के आप इसको व्यू दिखाते हैं, और टोटल जो इसका रोड की लंबाई है लगभग 1.5 किलोमीटर है। पीछे से यहाँ पे देखिए इस टाइप से व्यू है इसका, और यहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइट लगाई गई है भाई लाजवाब, ऐसा आपको पूरे अयोध्या में देखने को मिल जाएगा। अयोध्या में हर जगह लगभग ऐसे ही लाइट लगाई गई है, ठीक है। तो इस टाइप से व्यू है, बहुत ही लाजवाब लगता है। यहाँ पे देखिए साइड में जो है फुटपाथ पर चलने के लिए बहुत ही प्यारे यहाँ पे पत्थर लगाए गए हैं, ठीक है, दोनों साइड पे लगाए गए हैं, एक इस साइड पे और उस साइड पे आप देखोगे तो उस साइड पे भी ये लगाया गया है, यानी टू वे रोड बनाया गया है, एक इस साइड से जाने के लिए और उस साइड से आने के लिए। तो इस तरह से रोड बनाया गया है, रोड जो बहुत ही वीआईपी है भाई लोग, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा कम चलता है, कम इसलिए चलता है क्योंकि जो एयरपोर्ट है अभी बन के रेडी नहीं हुआ है, बन के रेडी हो जाएगा तो ये रोड भी बहुत ही अच्छे से चलेगा, ठीक है। इस टाइप से व्यू है, और बीच में देख लीजिए जो डिवाइडर का काम किया जाता है, फूल पत्ते यहाँ पे जो भी पौधे थे लगाने वाले थे सब कुछ लगा चुके हैं और लग भी गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये नाइट का व्यू देखोगे तो नाइट का व्यू बहुत लाजवाब है, फिर कभी आपको दिखा देंगे, ठीक है। स्ट्रीट लाइट वाइट देखिए बहुत वीआईपी यहाँ पे लगी हुई है सब कुछ। तो यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ से लिखा हुआ था लगभग एयरपोर्ट 500 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर अंदर हम आ ही चुके हैं, टोटल 1500 मीटर का ये है, ठीक है। इस टाइप से पीछे का व्यू आपको, आगे बढ़ते हैं, आगे से थोड़ा सा और दिखाते हैं। तो ये लगभग हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल के पास, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये है टर्मिनल का व्यू जो कि बहुत लाजवाब है। आज अंदर जाएंगे और अंदर जाके उसको आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक यार जरूर करना, बहुत ही रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा अंदर, और अंदर चल के आपको व्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो बाहर से देखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे लोग देखिए लगभग 1:30 बजे के करीब है, ये टाइम है जिस टाइम मैं आके शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बाइक स्टैंड करता हूँ, थोड़ा सा उतर जाता हूँ फिर दिखा। दोस्तों ये है एयरपोर्ट का मेन गेट, यहाँ पे देखिए बनाया जा रहा है, दो पिलर्स इस साइड दे रहे हैं, एक ये एक ये, ठीक है। देखे तो यहाँ पे देखिए साइड में दो पिलर्स यहाँ पे दिए हैं, पहले से यहाँ पे देखिए दिया गया है, और ऐसे एक बीच में रहेगा, तो यानी एक रहेगा अंदर जाने के लिए और दूसरा रहेगा मतलब बाहर आने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से है कुछ इसका व्यू, यहाँ पे देखिए इस टाइप से इसका व्यू है। तो चलिए आपको अंदर चल के थोड़ा सा दिखाते हैं कि अंदर कैसा रहता है, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंदर जाना और मतलब वीडियो बनाना थोड़ा सा सख्त मना है इसमें। तो अंदर चलते हैं, अंदर का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना। चलिए जय श्री राम बोल के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे, बिल्कुल यार एकदम रिस्क लेके अंदर चलेंगे, लेकिन चलेंगे ज़रूर और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। बाहर से देखिए कुछ इस टाइप से दिखता है, जो पिलर्स का है वो काम चल ही रहा है। तो यहाँ से देख सकते हो बाहर का जो व्यू है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे देखिए ईंट ऊट रखा हुआ है जो कि काम चल रहा है, इसका जो भव्य और विशाल गेट बन रहा है इसका ये पूरा काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए इस टाइप से इसके, देखिए यहाँ पे ईंट से कुछ बनाया जा रहा है इसको और विशाल दिखाने के लिए, ठीक है। और इस टाइप से है कुछ व्यू, और यहाँ की देखिए ज़मीन जो है बिल्कुल मतलब बारिश हुई 1-2 दिन पहले यहाँ पे, तो इसी तरह से ये हो गया पूरा ज़मीन। और देखिए यहाँ पे जो मटेरियल लगते हैं गिट्टी मोरंग वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पे पहले से ही रखा हुआ है और यहीं से जो है जाता रहता है, वर्क इसका होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी पाइपें रखी हुई हैं, पाइप का यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको पता है पानी को निकालने के लिए कई जगह पे इसको यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम चलते हैं थोड़ा सा साइड से आगे, और यहाँ पे देखिए जो एक गाड़ी है जिससे आपको मसाले को मिक्स किया जाता है, ये गाड़ी देख रहा हूँ यार इसमें ड्राइवर भी नहीं है और ये बहुत देर से चल रही है, इसी ड्राइवर भी नहीं है, इसको चला के ऐसे चले गए हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने एक माइक परचेज़ किया, आपको वॉइस कैसी आ रही है इसको कॉमेंट करके बताना, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने एक जो है माइक परचेज़ किया ताकि आप लोग की वॉइस क्वालिटी अच्छी सुनाई दी।
तो यहाँ पे देखिए इस टाइप पे जो है वो टीन का मतलब कटिंग किया जा रहा है, टीन यहाँ पे लोहे की पाइप को कट किया जा रहा है और टीन को भी वो यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे देखो टीन सेट लगाया जाएगा ऊपर, आप लोग देख सकते हो ना। तो ये जो है बनाया गया है ये टीन सेट लगाने के लिए, या फिर हो सकता है यहाँ पे जो लोग आएंगे बाहर से उनको बैठने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए लगाया जा रहा है, या फिर पार्किंग के लिए, मुझे नहीं पता अभी। तो इसके ऊपर टीन सेट लगाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो रोड है, रोड यूज़ किया जाता है अभी जिससे मतलब गाड़ी गई, तो कुछ इस टाइप से व्यू है। और ये है मेन टर्मिनल है इसका व्यू, आप लोग देखिए बहुत ही गजब का है। अभी थोड़ा सा पास हो चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से देखें, ये देखा मैंने जूम किया थोड़ा सा, आप दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बहुत ही गजब का लग रहा देखने में यार। इसमें जो है अब जो पत्थर का है, जो राजस्थान से पत्थर आते हैं लगाए जाते हैं राम मंदिर में हर जगह पे, यहाँ पर भी लगना स्टार्ट हो गया। यही देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है यार देखने में, जब पूरा लग जाएगा ना तो बाहर से गजब का लगेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के थोड़ा सा दिखाते हैं, बहुत मज़ा आएगा देखने में यार। वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक करना, बहुत ही रिस्क लेके अंदर आया हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको जो है लोहे की पाइप से इसको एक टीन सेट की तरह बनाया जा रहा, जो कि छांव के लिए शायद बनाया जाएगा, या फिर कुछ भी पार्किंग के लिए, कुछ भी के लिए मुझे नहीं पता। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे का आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए टर्मिनल देखिए बहुत ही मतलब बहुत ही भव्य लग रहा है यार देखने में। इधर देखिए अभी तो यार कुछ नहीं बना, अभी जो है इसके ऊपर जो गुम्बज का लुक दिया जाएगा राम मंदिर की तरह, तो मस्त लगेगा देखने में। तो देखिए इस टाइप से व्यू है यार, देख लीजिए बिल्कुल पास से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इतना पास से कोई दिखाया नहीं है, इतना पास से देखिए करंट का अपडेट है बिल्कुल, देख लीजिए आप लोग बहुत ध्यान से। वीडियो को पीछे करके देख लीजिए अगर आपको फिर से देखना है तो, ठीक है। इस तरह से है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार। फ़ोन को जो है थोड़ा सा छिपा के लेकर चलना पड़ रहा, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ा। यहाँ पर देखिए जो ये रोड बनाया गया जिसमें मैं अभी करंट में चल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मिट्टी से थोड़े थोड़े से छोटा छोटा बांध मतलब बना के पानी को भरा जा रहा, ताकि यार रोड जो रहे वो अच्छी क्वालिटी का रहे, काफ़ी दिन तक चले और काफ़ी मजबूती रहे, इसलिए भरा जा रहा। तो आपने इससे पहले अगर रोड देखा हो बनता हुआ और उसमें डेली पानी डालता हुआ देखा हो तो कमेंट करके बताना यार। ऊपर देखिए टीन सेट के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है यहाँ पे, एक पाइप से इसको रोका जा रहा है बीच में सिंगल पाइप से, और इस टाइप से है हमारे टर्मिनल का व्यू। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए एक बार टर्मिनल का व्यू तो मस्त लग रहा, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाजवाब भाई, मस्त लग रहा देखने में। अभी अभी तो यार जब बन जाएगा पूरा तब देखना, वीडियो जरूर मैं डालूंगा इसका, चाहे जैसे डालूंगा। तो यार चैनल पर ने सब्सक्राइब कर ही लेना भाई, बहुत ही मेहनत लगता है यार। यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे का आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। तो इधर देखिए जो है थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर साइड साइड में बहुत पूरा मतलब जो 3 से 4 किलोमीटर में यह है पूरा बनाया गया है, और इसको बनाने के लिए आपको पता है एक गांव को पूरा खाली कर दिया कर देना पड़ा, एक देव गांव पूरा जो था पूरा खाली कर दिया गया। तो जो है बहुत दूर भर में है, अगर आप इसे पैदल घूमोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको घूमने में। फिर भी मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा दिखाऊँगा कि इतना बड़ा है ये, मैं पूरा आपको दिखाऊँगा। और साइड साइड से जो है इसको बंद कर दिया गया है पूरा, साइड साइड से जो है बाहर से लोग इसमें अंदर नहीं आ सकते हैं, ठीक। एक आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे। आई होप आपने टर्मिनल का व्यू पूरा देख लिया होगा, मैंने कई बार इसको दिखाया आपको। बिल्कुल पास से मैं शूट कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर पे नहीं है टर्मिनल, तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा रिक्सी है क्योंकि उसका जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ से हम निकलते हैं थोड़ा सा, और आपको आगे का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे कि जो है वो साइड साइड से कैसे इसको मतलब एक बंद कर दिया गया है, और इस पर और कैसा काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ की ज़मीन देखिए अभी जो है वो गिट्टी उट्टी ऐसे पड़ी हुई है नॉर्मल, अभी ये बनाया नहीं गया, बस इसे नॉर्मल ही यूज़ हो रहा है। साइड में देखिए कितना ज़बरदस्त इसको मतलब घेरा बना दिया गया है पूरा, जितने दूर भर में ये बनाया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने टर्मिनल, ये देखिए तो पूरा लगभग 3-4 किलोमीटर में है, और पूरा 3-4 किलोमीटर को ही बंद कर दिया गया है, मतलब आप अंदर से नहीं आ सकते हो। जो इसका गेट बनाया गया, मुख्य 2 गेट हैं अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हैं, तो वहीं से आप आ सकते हो, और मतलब इधर उधर से आप नहीं आ सकते। तो इस तरह से है, और ऊपर देखिए वो जो बनाया गया है मतलब लोग रहते हैं वहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा नज़र रखते हैं। तो चलिए इस टाइप से कुछ है व्यू इसका, आगे चलिए आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये वाला जो रोड है आप डायरेक्ट टर्मिनल पर पहुँच जाओगे यहाँ से जाओगे तो, और ये वाला जो रोड है इससे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इससे आप आगे जाओगे अगर, तो यहाँ पे जो मेन रनवे बनाया गया है जहाँ पे फ्लाइट जो है लैंड करेगी यहाँ से, तो वो बनाया गया है, उसको आपको दिखाएंगे। तो इस टाइप से देखिए साइड से यार पूरा बंद कर दिया गया है, और इधर का व्यू देखिए, इधर का मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ से टर्मिनल कैसे दिख रहा है। देखिए यार बहुत ही ज़्यादा भव्य है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, अभी मैं मतलब अंदर तो यार कभी गया नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है।
तो यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखिए गेट बनाया गया है, और हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, चाहे जैसे ही करके थोड़ा सा रिक्स भी है, पहले देख लूँ फिर कवर करूँ। तो बस इसी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना यार, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वाली वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने